हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1965 के युद्ध के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर अगर हम बात करें तो निर्णायक जो जीत होती है वो हमारी होती है, यानी कि इंडिया की होती है। इसके पीछे के कारण क्या थे, आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। आखिरकार अगर हम बात करें इस डेट की, ये डेट बड़ी पेचीदा है, क्योंकि यही सबसे पहले 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया तो समय हमें मालूम नहीं था, ना ही हमारी सेना को मालूम था। ये अचानक आक्रमण था और इस आक्रमण की वजह से हम जो है चीन से युद्ध हार जाते हैं और इसमें हमारी हार होती है दोस्तों। और इसी का फायदा उठाते हुए फाइनली पाकिस्तान भी सर उठाने लगता है। लेकिन उससे पहले हुआ क्या कि आखिरकार हम बात करें तो देखिएगा, 27 मई 1964 को 1964 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है, ठीक है। इनका देहांत होता हो जाता है, लंबी बीमारी की वजह से इनका देहांत होता है। तो अब नए प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी। और ये जो अपना पदभार संभालते हैं वो संभालते हैं 9 जून 1964 से, ये नए प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं। और उसी दौरान ये राष्ट्रपति पे तख्ता पलट हो जाता है और उनके सैनिक शासन के दौरान एक नए राष्ट्रपति बन के आते हैं जिनका नाम था अयूब खान। ये हैं अयूब खान और ये जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। अब इन्होंने समझा कि अब नए प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। कौन बने हैं नए प्रधानमंत्री, भैया लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनको ज़्यादा अनुभव है नहीं, और इसी अभी 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 हाल ही में 1962 का जो युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन का हुआ है, इसमें जो है चीन ने भारत को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं अब इसमें आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं भारत जो है वो टूटा पड़ा है, और इसका सही मौका उठाकर हम कश्मीर को जीत सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा और खास करके इन्होंने जिब्राल्टर कर एक मिशन चलाया, और इस मिशन के अनुसार उन्होंने तय कर लिया कि अब हम कश्मीर को अपने क्षेत्र में इनके पाकिस्तान में मिला लेंगे। फाइनली होता क्या है कि इनकी जो सेना है भारत की कुछ सीमाओं पर आ जाती है, जैसे कि इनको जम्मू, अगर हम बात करें ये वाले इलाके की बात करें, ये देखो ये इलाका दिख रहा है आपको ये वाले क्षेत्र पे, तो यहाँ पे गुजरात वाले इलाके पर, कच्छ वाले इलाके पर इनकी सेना हमला कर देती है, और यहाँ राजस्थान में इस वाले इलाके पर जो है इनकी जो है सेना हमला कर देती है, और पाकिस्तान वाले इलाके पर करती है, सॉरी यहाँ पे पंजाब वाले इलाके पर करती है। लेकिन भारतीय सेना इनको बाकायदा बड़े तरीके से जो है सबक सिखाती है और यहाँ पर इनको हरा कर यहाँ लाहौर तक भारतीय सेना घुस जाती है। फिर होता क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पे अयूब खान दूसरी टुकड़ी जो है यहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, ये जम्मू कश्मीर में। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में भेजते हैं तो क्या करते हैं, क्या यहाँ के जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग थे उन लोगों को खास करके इसलिए तैयार किया जाता है कि वो पाकिस्तानी सेना को जो है सपोर्ट करें, उनको साथ दें। लेकिन वहाँ की सेना ने जितने भी जो पाकिस्तानी घुसपैठी थे उनको पुलिस से पकड़वा दिया जाता है, वो पकड़वा देते हैं, और जिससे पाकिस्तान की जो है ताकत कमज़ोर हो जाती है। और भारतीय जो सेना थी उसको स्टार्टिंग में लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये अंदर तक ना घुस पड़े, तो उन्होंने क्या किया, इस जगह पर देखो बिल्कुल इस बॉर्डर पर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फोर्स तैयार कर दी, किसने, हम लोगों ने, यानी कि भारतीय लोगों ने। ताकत की बात करें तो यहाँ पर ताकत की, देखिए ताकत की बात कर लें तो भारत की ताकत एंड पाकिस्तान की ताकत उस युद्ध में, यानी कि 1965 में कैसी थी, किसकी पावर ज़्यादा थी। अगर हम पैदल सेना की बात करें तो देख पा रहे हैं आप 7 लाख पैदल सेना हमारे मतलब सेना में शामिल थी, वहीं पे पाकिस्तान में जो पैदल सेना थी वो थी 2,60,000, यानी कि सेना के मामले में, पैदल सेना के मामले में हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थे। विमान की बात करें तो 700+ हमारे पास लड़ाकू विमान थे, वहीं पाकिस्तान के पास में 280 लड़ाकू विमान थे, जिस अगर इस नज़रिए से देखें तो हम पाकिस्तान से भी काफ़ी आगे, संख्या में काफ़ी आगे थे। टैंक की बात करें तो हमारे पास 720 टैंक थे, वहीं पाकिस्तान के पास में 756 टैंक थे, यानी कि हमसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के पास टैंक मौजूद थे। होता क्या, तोप की बात करें तो 628 तोपें भारत के पास थी, वहीं 552 तोपें जो हैं पाकिस्तान के पास थी। अगर संख्या की बात करें तो संख्या के मामले में भारत जो है पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा था, लेकिन ताकत की अगर हम बात करें तो भारत से ज़्यादा ताकतवर पाकिस्तान था। अब बताइए कैसे, इसलिए क्योंकि भारत के पास जितने भी विमान की बात करें, टैंकर की बात करें, तोप की बात करें, ये 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णायक युद्ध तक की जो पुराने हथियार थे वो थे भारत के पास में, कोई नई टेक्नोलॉजी के हथियार मौजूद नहीं थे। वही पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान उस समय अमेरिका का सहयोगी देश रहा है, तो अमेरिका के सहयोगी था, इसलिए अमेरिका की तरफ से इसको सारे आधुनिक विमान दिए गए,
आधुनिक टैंकर दिए गए, आधुनिक तोपें दी गई, यानी कि हमसे कई गुना मारक क्षमता वाले इनके पास हथियार थे, लेकिन फिर भी निर्णायक भूमिका में अगर देखा जाए, निर्णायक जो युद्ध हुआ उसमें जीत जो हुई वो हमारी हुई। क्यों हुई? क्योंकि युद्ध के लिए सिर्फ बल की आवश्यकता नहीं होती है, युद्ध के लिए कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, जो भारत के पास है पर पाकिस्तान के पास नहीं है दोस्तों।